दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में फूड बीट ट्रेवलिंग ब्लॉग। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का कैसे बनती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमें दाल तड़का बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। दाल तड़का में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आपके पास दाल। दाल तड़का बना रहे तो दाल होनी चाहिए। अरहर की दाल है हमारे पास, पहले से बॉयल रहती है। और कैसे बॉयल करना है इसकी वीडियो भी मैं एक दिन आपके सामने शेयर करूँगा। और साथ में हमें चाहिए गार्लिक, टमाटर, ग्रीन चिल्ली, धनिया, साथ में चौक किया हुआ थोड़ा सा ऑनियन एंड अमूल बटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा फ्राइंग पैन, इसमें मैंने पहले से हल्का सा ऑयल जो ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें गार्लिक। गार्लिक ऐड करने से पहले दोस्तों मैं तड़का इसमें नहीं मारूंगा, तड़का ऊपर से मार के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें जीरा ऐड करेंगे, जीरे को जो हल्का सा फ्लेक में देंगे इसमें। जीरा जो तड़कना स्टार्ट हो गया तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक, और खूब सारा गार्लिक है। टॉस करेंगे, हल्का सा ब्राउन स्पॉन करेंगे, खुशबू जो काफ़ी अच्छी आती है गार्लिक की। तड़का जो हर रेस्टोरेंट में काफ़ी डिमांडिंग रहती है और काफ़ी अच्छा तड़का मैं बनाने वाला हूँ। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटी सी कोशिश में कर रहा हूँ। और गार्लिक जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का। इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूँगा प्याज, और प्याज को भी हल्का सा काम दिया, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज की स्मेल है वो निकल जाए। साथ में ऐड करेंगे हींग, एक चम्मच के आसपास हम हींग इसमें ऐड कर दें। इसके बाद ऐड करेंगे दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली, आप जितना खाते हैं। मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ, और खूब सारा टमाटर। ये देखिए मस्त आग लगी है, जबरदस्त तड़का है। अब सॉस करेंगे दोस्तों, टमाटर को इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद से ऐड करेंगे वाटर, थोड़ा सा वाटर। गैस स्लो करेंगे, ऐड करेंगे दाल तड़का। मैं बना रहा हूँ 4 लोगों के हिसाब से। अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे साथ में। इसमें दोस्तों मसाले ज़्यादा जाते नहीं है, कुछ लोग इसमें किचन किंग धनिया पाउडर ऐड करते हैं, बट हम बेसिकली इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्दी गई, ये 3 स्पून के आसपास नमक, आप टेस्ट कर लें जिस हिसाब से खाते हैं, क्योंकि हम शेफ लोग हैं, हमारा हाथ जो है सेट रहता है मेजरमेंट के हिसाब से। स्पून से मैं ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे स्पून से अंदाज़ा नहीं आता, आप से सेट बैठता है। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे, करेंगे थोड़ा सा धनिया श्रद्धा के अनुसार। टेस्ट को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए अमूल बटर, ये जरूरी है दोस्तों, अमूल बटर ऐड करना। मुझे जो है अमूल बटर का टेस्ट थोड़ा सा पसंद है तो मैं 2 क्यूब ऐड कर रहा हूँ, आप 1 टीस्पून भी यूज कर सकते हैं। दाल तड़के का कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है। 2 से 3 मिनट आपको इसको पकाना है, जो झाग निकल रहा है इसको बेसिकली इसको हटा देना है आपको।
उसका फाइनली 5 मिनट दाल को पकते हुए हो गए हैं और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। थोड़ा सा मैं जो है नमक किस तरह से है इसमें, मिर्ची किस तरह से, वो टेस्ट कर लूँगा। वाह लाजवाब, तो इतना बढ़िया इसका टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस दिन आप इस दाल तड़का को बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दाल तड़का आपको कैसे लगे। तो चलिए फाइनल दाल तड़का हो गई है, और इसको दाल तड़का क्यों कहते हैं, अब इसके ऊपर हम डबल तड़का मारेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि तड़का कैसे मारते हैं। तो दोस्तों मैंने दूसरा फ्रेंक फ्रेंक चढ़ा लिया है, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, और गार्लिक को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। साथ में ऐड करेंगे दोस्तों हम रेड चिल्ली, और इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। हल्का सा ये भूनने के बाद हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली। फुल्टी गैस फास्ट करूंगा, गार्लिक की काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और जो रेड चिल्ली है उसकी भी खुशबू काफी अच्छी आ रही है। तो गार्लिक जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, और रेड चिल्ली भी होने वाली है। थोड़ा सा चुटकी भर में ऐड कर दूंगा कश्मीरी रेड चिल्ली, और ये रेडी है मेरा दाल तड़के का तड़का। तो चलिए आपको तड़का मार के दिखाता हूँ। तो ऐड करते हैं हमारा स्टैंडर्ड पोर्शन बाउल, इसमें जो दाल तड़का मैंने बनाई वो मैं ऐड करूंगा। ये है दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।